दादी, बचपन में पापा की फेवरेट मिठाई कौन सी थी जो आप बनाते थे? मिठाई? प्लीज बताओ ना दादी। उसे सभी मिठाई पसंद थी, पर बेसन के लड्डू सबसे फेवरेट। कहीं पर भी छुपाओ, वो ढूंढ ही लेते थे। दादी आज बनाओ ना बेसन के लड्डू। आज? तुझे खाने हैं? मेरे लिए नहीं, पापा के लिए। अरे हाँ हाँ, बनाओ ना भाई, मुझे भी खाने को मिल जाएंगे। ओके बाबा, पर तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। अच्छा ठीक है, अब जाओ कपड़े चेंज कर लो, फिर शुरू करते हैं। ओके। दादू। हाँ बेटा। एक बात पूछनी थी। तो अब मेरी बारी है। आप क्या करते थे जो पापा को बहुत पसंद था? पर आज ये सब तू क्यों जानना चाहता है? मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ ना प्लीज। हम पंजा लड़ाया करते थे हम दोनों। उसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हर बार मैं हार जाया करता था। आप हार जाते थे? रियली? आप जान पूछ के हारते होंगे। तो आज हो जाए पापा के साथ। मुझे पता था तू ऐसा ही कुछ कहेगा। ठीक है, हो जाए। पर आज आपको जान पूछ के हारना नहीं है। यस। बेसन के लड्डू इतने सालों बाद आपने बनाए? आज कुछ खास? कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही। चलो अच्छा किया आपने। अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें, अनकही सी बातें, अधूरे से कुछ सपने और बचपन की वो यादें, जाने किस हवा के संग उड़ गए वो पल, वक्त के साए में हो गए ओझल, अधूरी सी कुछ बातें। दादी, पापा को और क्या क्या पसंद था? मिठाई में? नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही? और जन्नत मेरी बीते सारी उम्र यहाँ, तुझ से शुरू मैं तुझ में समाया, तू नहीं तो जाऊँ कहाँ, डोर ये प्यार की ना टूटे जैसे शाख से सूखी पत्तियाँ, कभी ना ये हाथ तेरा, राही मैं तू रहनुमा, मेरी उड़ान तेरा आसमां। स्वाति, स्वाति मेरे शूज देखे क्या? कहाँ गई? यहीं तो रखे थे। पापा, आपने मेरे शूज पॉलिश किए?
कुछ याद आया? हाँ, पर कल से ये सब बेसन के लड्डू, पंजा लड़ाना, चंपी और अब ये मम्मी। अमन, तो ये सब तुम्हारी प्लानिंग है? व्हाई आर यू डूइंग दिस? अमन बताओ क्यों? इसलिए कि आप भूल न जाए दादा दादी ने आपके लिए क्या क्या किया है। किसने कहा तुमसे कि मैं भूल जाऊंगा? दीज आर द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माई लाइफ, और इन्हें भूलना इतना आसान नहीं है। लेकिन समर्थ के पापा तो भूल गए ना। कौन समर्थ? मेरे स्कूल में है, उसके पापा सब भूल गए और अपने मम्मी पापा को ओल्ड एज होम में भेज दिया। पापा, आप तो नहीं भेजोगे? अगर पापा ने चाहा भी तब भी मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जाने किस हवा के संग उड़ गए वो पल, वक्त के साए में हो गए ओझल, अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें, अनकही सी बातें।